हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ बेटी किचन ब्लॉग्स। आप सबका फिर से मेरा चैनल में स्वागत है। तो आज हम सब्जी बनाएंगे और क्या चीज़ की सब्जी बनाएंगे वो देखने के लिए आपको हमारा पूरा वीडियो देखना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और सब्जी हर बार की तरह मेरी मम्मी बना रही है फिर से। तो सब्जी कैसा होगा और सब्जी में क्या क्या लगेंगे तो वो हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम सब्जी बनाने के लिए कद्दू, आलू, बरबट्टी, चना और थोड़ा सा केला और बैंगन ले लिए कुछ, ठीक है। तो आप सबको ये देख के समझ में आ गया होगा कि हम सब्जी जो है वो मिक्स वेजिटेबल बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सब्जी अपने चॉइस से लीजिएगा, आपको अगर जो पसंद है वो लीजिएगा और अगर आपको जो पसंद नहीं उसे आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सारी सब्जी को काट लिया है और काट के हमने धो लिया था। यहाँ पर हम तेल गर्म कर लेंगे तेल गरम करने के बाद जीरा और काली मिर्च इसमें डाल देंगे, सॉरी काली मिर्च नहीं, लाल मिर्च इसमें डालेंगे। और फिर हमारे देखिए ये जल गया है थोड़ा सा अच्छे से। फिर हम इसमें प्याज डालेंगे, प्याज को हम थोड़ा सा भून लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। और यहाँ पे हमारा प्याज जो भून रहा है तो फिर हम मसाले रेडी करेंगे। तो मसाला मम्मी रेडी कर रही है। यहाँ पे हम प्याज भुनने के बाद इसमें सब्जी डालेंगे, सारी सब्जी को ऐड करेंगे और सारी सब्जी हम एक साथ ही डालेंगे, एक एक करके नहीं डालेंगे क्योंकि सब्जी हमारा एक साथ डालेंगे तो एक साथ ही पकेगा। तो यहाँ पे हमने सब्जी डाल दिया है और फिर इसे ढक के 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जी है वो देखिए अच्छे से कलर थोड़ा सा चेंज भी हो गया है और भुन भी चुका है। तो इसके बाद इसमें हम जो चना था वो चना ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने चना ऐड कर दिया और फिर से हम अच्छे से चला देंगे और ढक देंगे। फिर से हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। देखिए यहाँ पे हम फिर से एक बार सब्जी को चला लेंगे। तो ऐसे ही सब्जी को हमें करना है। तो पहले थोड़ा सा सब्जी को भूनना है बिना मसाला के। फिर यहाँ पे मसाला ऐड करेंगे हल्दी, हल्दी के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया, धनिया पाउडर है। और इसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, अगर आपको मिर्ची कम पसंद है तो कम मिर्ची यूज़ कीजिए। और फिर यहाँ पे हम ऐड करेंगे नमक, स्वाद अनुसार नमक। और देखिए यहाँ पे हम सारे मसाले को जो है ऐड कर दिए। और फिर हमारा लास्ट जो मसाला है यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा लाल मिर्च भी पीस लिया था अदरक लहसुन का पेस्ट में, तो आपको ऑप्शनल है, लाल मिर्च आपको ऑप्शनल है। और फिर हमें इसे मिक्स करके ढक देंगे। और देखिए हमारा जो मसाला है अच्छे से सब्जी में मिल गया है। तो आप सब भी ऐसे ही सब्जी बनाइए और कम बिल्कुल कम तेल में सब्जी आपका बनेगा और सब्जी बहुत अच्छा ही बनेगा। और फिर यहाँ पे हम ढक के मसाले को अच्छे से भुनेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम मसाले को भून रहे हैं। और किसको मिक्स सब्जी पसंद है तो आप सब कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा कसूरी मिर्च यूज़ किया है कलर के लिए, तो ये ऑप्शनल है आपका, ज़रूरी नहीं है कि आप यूज़ करें। फिर देखिए इसे हम अच्छे से मिला देंगे और फिर ढक देंगे। और किस किस को मिक्स वेजिटेबल्स पसंद है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो पसंद नहीं है बट मेरी मम्मी बनाती है तो मैं सब्ज़ी खा लेती हूँ क्योंकि मम्मी सब्ज़ी बहुत ही अच्छा बनाती है। तो ये मेरा प्लस पॉइंट है कि जब भी मम्मी सब्ज़ी बनाती है तो मैं खाती ही हूँ। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि जो हमारा सब्ज़ी है वो जले नहीं। और फिर यहाँ पर देखिए हमने टमाटर की जगह केचप यूज़ किया है। तो आप अगर आपके पास टमाटर है तो आप टमाटर यूज़ कीजिए, हमारे पास टमाटर अवेलेबल नहीं था तो हमने यहाँ पे केचप का यूज़ किया है। टेस्ट बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आएगा, वो बहुत ही अच्छा आएगा। और यहाँ पे जो सब्ज़ी है हमारा देखिए अच्छे से बन चुका है। तो आलू भी देखिए हमारा काट के मम्मी ने देखा वो हो चुका है। और फिर यहाँ से हम थोड़ा देर के लिए इसे ढक के पकाएँगे ताकि जो है पानी देखिए क्योंकि अभी थोड़ा ज़्यादा है तो इसमें जो है वो थोड़ा सा और पानी सूख जाएगा तो ग्रेवी अच्छी से हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा एकदम सब्जी अच्छे से बन के रेडी हो चुका है फाइनल अब। और यहाँ पे हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन में निकाल दिया है सब्जी। तो सब्जी कैसी बनी है ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप सब भी ऐसे बनाइएगा। और फिलहाल मुझे तो ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लग रही है और मैं खा के टेस्ट बताऊँगी मुझे सब्ज़ी कैसी लगी है। आप सभी बना के बताइएगा कि आप सबको ये सब्ज़ी कैसी लग रही है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।